गांधी इसी तरह की बयानबाजी करते, वायनाड में जाकर सेवा करनी चाहिए कि बयानबाजी करनी चाहिए? अगर कुछ गड़बड़ नहीं किए हैं तो डर क्यों रहे? इतने डरे सहमे क्यों विपक्ष के नेता? वो टीम रख लिया, वो बता देता है ये बोल दो, बोल के चले आते। खुद भी मेहनत करना चाहिए। अनुराग ठाकुर के सामने बौने दिखे राहुल गांधी। हमारे संग बातचीत करने के लिए हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन सर। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि उनके ऊपर ईडी का छापा भाजपा की तरफ से। राहुल गांधी इसी तरह की बयानबाजी करते हैं, वायनाड में जाकर सेवा करनी चाहिए कि बयानबाजी करनी चाहिए? जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको हरा दिया था तो वही वायनाड के लोगों ने सहारा दिया था। आज राहुल गांधी को वायनाड का सहारा बनना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी बंद करके वहां दिन रात कैंप करना चाहिए, लेकिन वो बयानबाजी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। अरे वायनाड पर ना ट्वीट कीजिए, क्या क्या सेवा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आप ट्वीट कर रहे हैं कि उन पर ईडी का छापा पड़ सकता है, तो ये पड़ सकता है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं किए हैं तो डर क्यों रहे? इतने डरे सहमे क्यों विपक्ष के नेता? अगर ईडी आएगी, कोई गड़बड़ी होगी तो पूछेगी जरूर, लेकिन ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है। और ना ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी को, हम लोगों को जानकारी देती है कि कहाँ जा रही है। उनको कहाँ से जानकारी मिल गई? राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता के तौर पर व्यवहार करें। अटल जी, अडवाणी जी, सुषमा जी, ये लोग विपक्ष के नेता रहे, ये लोग कैसा व्यवहार करते थे, उस सबका भाषण निकाल के पढ़ना चाहिए। थोड़ा पढ़े लिखे, थोड़ा टाइम दे। खाली वो टीम रख लिए हैं, वो बता देता है ये बोल दो, बोल के चले आते। थोड़ा खुद भी मेहनत करना चाहिए। कहा है कि चाय और नाश्ते पर इन्वाइट करेंगे, जब जाएंगे ईडी वाले तो चाय और नाश्ता उनको करवाया जाएगा। पहले चाय नाश्ता वायनाड के लोगों का इंतजाम कीजिए, ये सब अभी वायनाड से ध्यान बांटिए मत। आखिरी सवाल है, विपक्ष को राहुल गांधी का जो बयान हुआ था लोकसभा में, उसको कैसे थे? वो राहुल गांधी का बयान कहाँ हुआ था? अनुराग ठाकुर ने पूरी तरह बुलडोज कर दिया। अनुराग ठाकुर के सामने बौने दिखे राहुल गांधी। इतनी हमारे संग बातचीत करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। मैं नितिन बरा सर, उत्तर प्रदेश टाइम्स, दिल्ली। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।